गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस टाइप की ईयरफोन ले ली है। गाइस सबसे पहले मैं इसके ऑक्सिन जैक को काट लूंगा और गाइस यहां से इस माइक को निकाल लूंगा। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसके माइक और गाइस जैक को निकाल लिया है ऑक्सिन जैक को। गाइस सबसे पहले मैं इसमें से माइक को निकाल लूंगा। मैं गाइस माइक है छोटा सा, मैं इसको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से निकाल लूंगा। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसके माइक को निकाल लिया है। गाइस ये बहुत छोटा माइक है आप देख सकते हैं। गाइस अब मैं इसके यूएसबी जैक को यहां से कट कर लूंगा इसके ऊपर के कवर को। गाइस आप देख सकते हैं मैंने ब्लेड ले लिया है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऑक्स जैक को निकाल लिया है। अब गाइस मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बता दूँ किस तरीके से मैं इसकी वायरिंग करनी है। गाइस जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा लेफ्ट चैनल का, सेकंड पॉइंट राइट चैनल का, थर्ड पॉइंट ग्राउंड, फोर्थ पॉइंट माइक। गाइस हमारा जो माइक का भी ग्राउंड यही है थर्ड वाला, लेफ्ट और राइट चैनल का भी ग्राउंड गाइस एक होता है तो इसलिए ग्राउंड है मिडल वाला जो कि थर्ड पॉइंट है आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सोल्डरिंग हो रही है यहाँ पे है ये वाला जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट ऑडियो राइट ऑडियो ग्राउंड माइक, लेफ्ट ऑडियो राइट ऑडियो ग्राउंड माइक। तो गाइस अब हमको ग्राउंड पे वायर कनेक्ट करना है, एक वायर कनेक्ट करना है माइक पे। तो गाइस मैं अब आपको वायर सोल्डर करके दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये वायर ले लिया है 3 मीटर, आप बड़ा भी ले सकते हैं। गाइस इस वायर को मैं अब ऑक्स जैक के साथ कनेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं माइक के साथ कनेक्ट कर लूंगा माइक वाले पॉइंट पे। आप देख सकते हैं मैंने ऑक्स जैक को वायर के साथ कनेक्ट कर लिया है। गाइस अब मैं इस वायर को अपने माइक के साथ कनेक्ट कर लूंगा। हमारा जो ऑक्स जैक का ग्राउंड था, ग्राउंड वायर को हम अपने माइक के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। ऑक्स जैक का जो माइक टर्मिनल का जो वायर था उसको हम माइक के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर लेंगे। गाइस मैं आपको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऑक्स जैक को माइक के साथ कनेक्ट कर लिया है। गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो माइक है ये बनके रेडी हो गया है। गाइस अब मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। गाइस हमारा जो ऑक्स जैक है, ऑक्स जैक में 4 टर्मिनल होते हैं, लेफ्ट राइट ग्राउंड माइक। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला है हमारा माइक का सबसे लास्ट में और गाइस इससे जो पहले है वो है ग्राउंड। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक माइक और एक ग्राउंड पे दो वायर कनेक्ट कर लिए हैं। फिर गाइस ये वायर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है इस वायर का। आप देख सकते हैं हमारा जो माइक है इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारा जो ऑक्स जैक है, ऑक्स जैक का ग्राउंड हमने अपने माइक के नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया है। ऑक्स जैक का जो माइक का जो टर्मिनल था उसको मैंने माइक के पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया है। गाइस इसकी वायरिंग करना बहुत ही सिंपल है। गाइस मैंने एक पेन लिया है, आप देख सकते हैं, आप किसी भी टाइप का पेन ले सकते हैं। मैं इसके पीछे के पार्ट को कट कर लूंगा हेक्सा ब्लेड की हेल्प से। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने हेक्सा ब्लेड की हेल्प से एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया है। गाइस अब मैं इस माइक को इस कैप के अंदर फिक्स कर लूंगा। गाइस मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मैंने माइक को इस कैप के अंदर अच्छे से फिक्स कर लिया है। गाइस अब मैं लूंगा इस तरीके की फॉर्म, आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म लिया इस तरीके की। अब मैं इसको डबल कर लूंगा गाइस और गाइस इसको इस माइक के ऊपर लगा लूंगा। गाइस इससे ये होगा कि हमारा जो माइक है ये वॉइस को अच्छे से कैप्चर करेगा। गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो माइक है ये बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने इसके आगे फॉर्म लगा ली है। फिर गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो माइक निकाला था जिस ईयरफोन में से उसकी गाइस मैंने क्लिप लगा दी है, इससे मैं शर्ट में इसको अटैच कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ऑक्स जैक के ऊपर गाइस मैंने
टेप लगा दी है, ब्लैक टेप आप देख सकते हैं। गाइस अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास ये फ़ोन है, तो मैं इस ऑक्स जैक को इसमें लगा लूँगा। पहले कनेक्ट कर लेता हूँ इससे। गाइस अब मैं इसमें ऑडियो रिकॉर्डर ऐप खोल लेता हूँ, वॉइस रिकॉर्डर ऐप। आप देख सकते हैं मैंने वॉइस रिकॉर्डर ऐप खोल लिया है। तो गाइस अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। पहले यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग को। आप देख सकते हैं गाइस इसमें वेव बढ़ती हैं जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ। तो गाइस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।